मैं आपका अपना सचिन चौहान अपने YouTube चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं पहुंचा हूं अपने ही खेत में। इस खेत की वीडियो कुछ दिन पहले मैं डाल चुका हूं। उस समय हमारा ये जो गन्ना है ये थोड़ा हल्का था, थोड़ा छोटा था, ये फसल थोड़ी हल्की थी। किसान साथियों, आज हम इस खेत की सिंचाई कर रहे हैं, आज पानी चलाया हुआ है खेत में गन्ने की फसल में। जैसे कि आप पीछे वीडियो में देख भी सकते हैं, गन्ने की फसल कैसी हरी भरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे सर से भी ऊंची जा चुकी है इसकी हाइट गन्ने की। वैसे हमने गन्ने की जो बिजाई की थी ये 7 मई को की थी, थोड़ी लेट इसकी बिजाई की गई है, थोड़ा लेट हो गए थे हम इसको बीजने में, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया था। फिर भी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किसान साथियों, गन्ने की फिर भी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है, हाइट अच्छी हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा किसान साथियों, ये देखिए गन्ने की पोरियाँ, गन्ने की ग्रोथ, गन्ने की मोटाई कितनी अच्छी हो चुकी है, कितनी ज़्यादा हो चुकी है। किसान साथियों देखिए, किसान साथियों अगर आप समय पर खेत में फसल में कोई भी खाद बीज डालते हैं, समय पर उसकी सिंचाई करते हैं, समय पर पानी देते हैं, तो आपको निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा, एक अच्छी फसल मिलेगी। किसान साथियों, बड़ी बड़ी बातें करने से, ये कहने से कि मैंने अपने खेत में इतनी खुराक डाल दी, मैंने अपने खेत में ये कर दिया, वो कर दिया, उसका कोई लाभ नहीं होता। मैं एक साधारण किसान हूँ, हमारे पास कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी खेती बाड़ी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़मीन जायदाद नहीं है। गुजारे के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ज़मीन थोड़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, हम अपने इस थोड़ी सी ज़मीन में भी कैसे हम अच्छी फसल ले सकते हैं। किसान साथियों आप समय पर हर फसल की बिजाई करें, समय पर खाद बीज डालें, समय पर सिंचाई करें, तो आप अच्छी फसल ले सकते हैं। यहाँ एक और मज़ेदार बात है किसान साथियों, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा भी रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं इस खेत में हमने पॉपुलर भी साथ में लगाए हुए हैं, गन्ने के साथ साथ पॉपुलर भी इसमें लगे हुए हैं। एक साथ हम दो फसलें लेते हैं किसान साथियों, और वीडियो में आप देख भी रहे होंगे पॉपुलर के पेड़ कितने ऊंचे हो चुके हैं, कितनी ग्रोथ कर चुके हैं। ये जनवरी मंथ के लगे हुए पॉपुलर हैं किसान साथियों, और देखिए गन्ने की फसल तो हमें मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ हमें इस खेत से पॉपुलर की भी फसल, पॉपुलर के पेड़ भी इसमें तैयार हो जाएंगे, हमें डबल अर्निंग होगी इससे। किसान साथियों, जो नए युवा किसान साथी हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, पुराने तरीके से जो भी बड़े बुजुर्ग खेतीबाड़ी करते आए हैं वो तरीके भी अपने समय के हिसाब से अच्छे थे, लेकिन बदलते समय के साथ किसान साथियों हमें भी अपने आप को अपडेट करना होगा, हमें भी बदलना होगा। देखिए, समय ऐसा है कि अगर पूरा परिवार मिलकर कमाता है तब जाकर घर के गुजारे होते हैं। किसान साथियों, हमें ऐसी फसलें उगानी चाहिए, हमें ऐसे खेतीबाड़ी करनी चाहिए जिससे हम एक साथ दोहरा लाभ ले सकते हैं। आप केवल एक फसल के ऊपर डिपेंड ना रहें, भगवान ना करे कि अगर मौसम की मार पड़ जाती है और आपकी फसल ख़राब हो जाती है तो उससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमें ऐसी फसलें और इस तरीके से फसलें उगानी चाहिए कि अगर किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अगर एक फसल हमारी ख़राब हो जाती है, नुकसान हो जाता है, कम से कम हमें दूसरी फसल से उसकी रिकवरी हो सके, दूसरी फसल से हमें उसका लाभ मिल सके। किसान साथियों, इस गन्ने की फसल के साथ जैसे कि मैंने बताया पॉपुलर के पेड़ भी उगे हुए हैं, मैं आपको नज़दीक से पास से पॉपुलर के वो पेड़ भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए किसान साथियों, अब मैं खेत के बिल्कुल बीच में पहुँच चुका हूँ, गन्ने के बीच में। ये हमने जनवरी में लगाए थे पेड़, और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है, इसका साइज आप देख सकते हैं मेरे हाथ की पकड़ से ज़्यादा हो चुका है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही पेड़, मैं आपको और भी पेड़ दिखा सकता हूँ। ये देखिए, आप पास से देख सकते हैं, ये देखिए किसान साथियों, इसका आकार भी मेरे हाथ की पकड़ से ज़्यादा है। आप आसपास और भी पेड़ देख सकते हैं किसान साथियों, देखिए सभी पेड़ की कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। तो किसान साथियों, बदलते समय के साथ आप अपनी टेक्निक को भी बदलें, अपने खेतीबाड़ी के तरीके को भी बदलें, एक साथ दो दो फसलें आप ले सकते हैं, थोड़ा समझदारी से समय के अनुसार टेक्निक के अनुसार आप काम करें। किसान साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए साथियों को मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब